हाँ भाई बच्चों, अब हम लोग आज अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये सब बातें यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये चित्र बना हुआ, ये चित्र जो है। ठीक है, पहले इसके और देखो यहां से रहा। अंडाणु जो होता है वो अचल होता है, अचल मतलब नॉन मोटाइल, इमोटाइल, जो गति नहीं कर सकता है। उसको धक्का दिया जाता है, चलेगा तो एक धक्का दिया उसके लिए। जैसे शुक्राणु होते हैं उनमें होती है पूंछ, तो वो खुद तैरते हुए और बढ़ते आगे। लेकिन अंडाणु जो होते हैं वो चलते हैं, लेकिन उनको चलाया जाता है। इसके बारे में भी बात करते हैं आगे आगे। प्रत्येक अंडाणु जो है उसका व्यास जो है लगभग 100 मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, इनके मध्य में अंडाणु ये है, इसके अंदर ये अंडाणु है, ये वाला ये दिख रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ ऊसाइट, जो ऊसाइट लिखा हुआ है, ऊसाइट लिखा हुआ जो वही अंडाणु के लिए है। इसके मध्य में केंद्रक होता है, जो होता है हेप्लॉइड, ध्यान रखें आप, हेप्लॉइड केंद्रक होता है। चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, एक आवरण होता है, इसे कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके चारों ओर एक पारदर्शी क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। यह है जोना पेल्यूसिडा। ठीक, प्रत्येक अंडे के चारों ओर अरीय रूप में, मतलब जैसे कहना चाहिए, कह सकते हो त्रिज्या, त्रिज्या के रूप में लंबी पुटिका कोशिकाएं एक परत बनाती हैं, जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जिन्हें हुआ है कोरोना रेडिएटा, चारों ओर जो हरी हरी कोशिकाएं देख रहे हैं आप, इधर भी जैसे देख सकते हो इधर वाले में भी। ठीक है, ये भी वही कोशिकाएं हैं जो कि रेडियली अरेंज होती हैं। तो अंडाणु होता है, इस अंडाणु में आप देख रहे हैं इसको लिखा है ऊसाइट हमने, ये पूरी रचना है, ये है ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन पुटिका। जब अंडाशय के अंदर अंडाणु विकसित होता है तो उसका विकास एक पुटिका में होता है, इसका नाम होता है ग्रेफियन पुटिका। उस पुटिका के अंदर शुक्राणु विकसित होते हैं, फिर अंडाणु अंडाणु विकसित होते हैं। ठीक है, अब ये जो अंडाणु होते हैं, आपको बताया था कि अंडाणुओं का विकास जो है या बनना बनने की जो है वो भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। तो प्राइमरी ऊसाइट तक तो बनता है वहीं पर, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी ऊसाइट जो होता है वो कब होता है, जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, मादा में प्योरिटी स्टेज है, यौवनावस्था आती है, तब जाकर के जो है उसमें शुरू होता है क्या चीज, परिपक्व की अवस्था, और उसमें प्रथम मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, और इसके फलस्वरूप बनता है क्या चीज, ऊसाइट या सेकेंडरी ऊसाइट। ये जो ऊसाइट लिखा हुआ है ये सेकेंडरी ऊसाइट है वाकई में, वास्तव में। तो ये जो ऊसाइट होता है, अब ये जो आप देख रहे हैं ऊसाइट चारों ओर एक आवरण है, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ग्रीन कलर की सेल्स बनी हुई है, ये भी पुटिकाएं हैं, और जो ऊसाइट बनी वही पुटिका से बनती है। मतलब कोई पुटिका जो है होती है वो बड़ी हो गई और बन गई ऊसाइट, बाकी चारों ओर जो बना लेती है वो कोरोना रेडिएटा बना लेती है। तो कोरोना रेडिएटा के बाहर एक खाली स्थान देख रहे हैं, जिसका एंट्रम, ये गुहा होती है, और उसका जो है आस्तरण होता है, इससे एक लेयर बनी हुई है हरे रंग की, वो भी हुई वही है, मतलब फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स अंदर भी है बाहर भी हैं, और बिल्कुल चारों तरफ ब्लू कलर की जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना, ये वाली एक्सटर्नल थीका, और वो है इंटरनल थीका। अंडाणु ऐसे समझो, अंडाणु के चारों ओर एक अंडाणु है, अंडाणु के चारों ओर क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक,
चित्र में लिखा देंगे। ये हुआ है विटलैंड मेम्ब्रेन, फिर ध्यान सुन लो, एक अंडाणु है सेकेंडरी ऊसाइट या ऊसाइट जो पहले हुआ है, उसके चारों तरफ एक आवरण है जिसे कहते हैं विटलैंड मेम्ब्रेन, उसके चारों ओर एक खाली स्थान है जिसे कहते हैं जोना पेलिसुडा, उसके चारों ओर जो है आप देख रहे हैं वो बनी हुई है परतें, इसका नाम है थीका इंटरना या इंटरनल थीका। के बाहर एक खाली स्थान है उसे कहते हैं एंट्रम, एंट्रम के ऊपर फिर एक स्थान है, वो सब मिलकर के थीका इंटरना ही बनाती है। ठीक है, तो ये थीका इंटरना जो है बनने के बाद अब जो है चारों ओर एक आवरण होता है जिसे कहते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल थीका या थीका एक्सटर्ना। ये पूरी संरचना मिलकर आती है ग्रेफियन पुटिका या ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, ये हो गया। अब इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं इसमें निषेचन कैसे होता है, तो निषेचन के बारे में अध्ययन करने के लिए आप जरा ऊपर जो चित्र हुआ है पहले उसको ध्यान देखें। यहां पर इस स्थान पर होता क्या है, मनुष्य में सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, की ये प्रक्रिया होती है। कल आपको बताया था मासिक चक्र के बारे में, मासिक चक्र जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग चलती है 4-5 दिन, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू होने के बाद लगभग 14वें दिन सामान्यता, अपवाद नहीं, अपवाद में तो 21 दिन तक हो जाता है, सामान्यता 14वें दिन अंडाणु जो है वो मुक्त होता है, ग्रेफियन पुटिका फटती है, और ग्रेफियन पुटिका फटने के बाद वो अंडाणु जो है लगभग 2 दिन तक जीवित रह सकता है, 48 घंटे तक। उस दौरान या उससे एक दिन पहले, उससे दो तीन दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो निषेचन संभावित है और आगे भ्रूण या जायगोट वगैरह बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। तो आप आगे ये समझने वाली बात यह है कि जो ये जो होते हैं, कहने का अभिप्राय हमारा क्या है कि जो भी ये सारी चीजें हैं वो इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो शुक्राणु जो होते हैं नर के द्वारा मादा की योनि के अंदर स्खलित किए जाते हैं। कौन सी क्रिया होती है वो, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जब ये शुक्राणु लगभग 500,000 से 600,000 तक हो सकते हैं, तो ये जो है संख्या इनकी बहुत अधिक होती है, और जब ये शुक्राणु मादा के योनि में मुक्त कर दिए जाते हैं और वहां से ये गति करते हुए अंदर की ओर खींच जाते हैं यानी कि सर्विक्स के अंदर, जो सर्विक्स कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला सर्विक्स, गर्दन मुड़ी हुई जो है सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स में अंदर पहुंच गए, उसके बाद ये अंदर खींच जाते हैं और स्वयं गति भी करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं शुक्राणु को गतिशील होते हैं, चलायमान होते हैं, तो पूछ से तैरते हुए अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। और आपको बता चुके हैं कल कि उसमें जब होता है मासिक चक्र के दौरान अंड निक्षेपण, तो अंडाशय से शुक्र अंडाणु यहां से होते हुए और इसमें हो जाते हैं, ये जो है हुआ FT फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो ग्रीवा होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर का हिस्सा जो होता है उसमें होते हैं छोटे छोटे रोम सीलिया, वो इसको गति प्रदान करते हैं, तो अंडाणु जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब तक आगे पहुंच गया, यहां पर या इधर, ठीक है, प्रत्येक महा एक महीने में इसमें से, एक महीने में इसमें से अंडाणु मुक्त होता है, दोनों में से नहीं होते हैं, अल्टरनेट चलता है इनका सिस्टम, तो ये अंडाणु जो होते हैं मुक्त होने के बाद फिर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए और शुक्राणु नीचे से पहुंचते हैं ऊपर और दोनों परस्पर समेकन क्या करते हैं, समेकन करते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात एक ये है कि शुक्राणु संख्या बहुत अधिक होती है, अंडाणु मात्र एक होता है, तो इनमें बड़ी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ समेकन करके जायगोट बनाएगा। तो अब ये चांस की बात है, जो भी रेस में दौड़ेगा जीत जाएगा,
वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा, बाकी उसी के पोषण में नष्ट हो जाते हैं। ये है तो अब आगे फर्टिलाइजेशन होता है, स्वर्ण धान सुन लीजिए, अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन जिससे 2N क्या मतलब द्विगुणित जायगोट बनता है, यह क्रिया जो होती है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस वाली बायोलॉजिकल क्रिया है, समझ रहे हो, मतलब भौतिक रासायनिक विधि वाली जैविक क्रिया है। फिजिको मतलब दौड़ लगाना, केमिकल मतलब केमिकल्स अंदर जो होते हैं इसके अंदर रासायनिक विधि उद्दीपन करते हैं, और बायोलॉजिकल मतलब जीवधारी के अंदर हो रही, मनुष्य के अंदर हो रही क्रिया, तो ये हो बायोलॉजिकल। जो फैलोबल ट्यूब का एम्पुला और इस्थमस का मिलन स्थान होता है, यानी कि ये वाला स्थान, इस स्थान पर, यहां पर लगभग, ठीक है, इस स्थान पर निषेचन स्थल होता है, इसे कहते हैं निषेचन स्थल, यहीं पर वीर सेचन से फर्टिलाइजेशन के 3 चरण पूरे होते हैं। क्या क्या होता है? नंबर 1, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ठीक है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा होता है शुक्राणु द्वारा अंड कोशिका का भेदन, मतलब उसको पेनिट्रेट करके अंदर घुसता है, ठीक है। और तीसरा जो चरण होता है वो होता है, उसे कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक का फ्यूजन, यानी कि संलयन, ठीक है। ये कुल मिलाकर के जो है 3 चरण होते हैं, आप नोट कर लीजिए, हर जगह बोला है मैंने, अब सुन लो इनके बारे में। पहला स्टेप क्या है? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ये सब क्रिया कहां हो रही है? निषेचन स्थल जो होता है, ठीक है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना पहला चरण जो है। वीर मादा की योनि में स्खलित किया जाता है, स्खलित मतलब मुक्त किया जाता है, इसे कहते हैं वीर सेचन, इनसेमिनेशन, INSEMINATION, इनसेमिनेशन कहते हैं। अंड निक्षेपण की क्रिया में स्त्री द्वारा क्या होता है? अंडाशय से मुक्त अंडे, यानी अंड कोशिका, ठीक है, फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, अर्थात बोले हुआ है क्या लिखा हुआ है? निषेचन स्थल, ठीक, तक पहुंचता है। शुक्राणु क्या करते हैं? तेजी से तैरते हुए गर्भाशय से होते हुए कहां पहुंचते हैं? वहीं पहुंचते हैं जहां आपको भी बताया गया हमने, ये वाला स्थान, ये पहुंचते हैं, ठीक। अनेक शुक्राणु अम्लीय माध्यम में, कौन से, किसके, वेजाइना के, योनि के अम्लीय माध्यम में, अथवा यांत्रिक दबाव अथवा उपकला कोशिकाएं होती हैं उनमें नष्ट हो जाते हैं, ये भक्षण कर लिया उसके, और केवल कुछ ही शुक्राणु, 100, 150, 200 शुक्राणु ही निषेचन स्थल तक पहुंच पाते हैं, यहां तक जो है, यहां तक केवल वही पहुंच पाते हैं, मतलब यहां से घुसे, यहां से घुसते हैं और यहां से होते हुए यहां या यहां आते हैं, ठीक। तो यहां पर ये क्या है? योनि द्वार है, योनि है, गर्भाशय है, यहां सब होते हुए कहीं ना कहीं रस्ते में इनका जो है भौसों का तो काम धाम हो जाता है, भौसे तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ अम्ली माध्यम के कारण, कुछ यांत्र दबाव दब गए, कुछ जो कोशिकाएं होती है इसकी गर्भाशय की वो उसको खा जाती हैं, या उसकी मतलब वजह नहीं कुछ का खा जाती हैं, ये सब जो है नष्ट हो गए, बचे 150, तो वही जो है दौड़ लगा करके पहुंचते हैं निषेचन स्थल तक। फैलोपियन ट्यूब में जो है फैलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर निषेचन स्थल की
और बढ़ते हैं और शुक्राणु में होने वाली जो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन की कोशिकाएं होती हैं वो क्रिया होती हैं, उसे कहते हैं कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, CAPICIATION, कैपेसिएशन, सॉरी ठीक है, कैपेसिएशन कहते हैं। मतलब फिर से सुनो ध्यान से एक बार, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन स्थल की ओर बढ़ते हुए शुक्राणुओं में होने वाले फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन की क्रिया को कैपेसिएशन कहते हैं, यानी कि जो शुक्राणु यहां से उठते हैं, शुक्राणु यहां से उठते हैं यहां से और ऊपर उठते आते हैं यहां तक पहुंचते हैं, तो इस दौरान जो उनमें क्रियाएं होती हैं तेजी से बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिएशन। ठीक, अब आ जाइए आप, ये क्रिया ये बाद में है, ये जो सब आखिर में यही होगा। शुक्राणु दूसरा स्टेज देखिए, शुक्राणु द्वारा अंड कोशिका का भेदन, ये वाली यहां आ गया, इसे निषेचन स्थल से पहले अंड कोशिका जो होती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, ये वाली कोशिका जो है उसके पास पहुंचकर शुक्राणु का एक्रोसोम, ये वाला लाल वाला हिस्सा जो होता है इसका, देख रहे हो शुक्राणु का जो लाल वाला हिस्सा है उसे कहते हैं एक्रोसोम, अग्रपिंडक, कुछ एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं लाइटिक, LYTIC, लाइटिक एंजाइम्स या सब्सटेंस पदार्थ का क्या करता है, श्रावण करते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्म लाइसिन, जिसमें एक एंजाइम होता है हाइलो यूरोनिडेज, HYALURONIDASE, हाइलो यूरिनिडेज, जो कोरोना रेडिएटा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है हरा वाला, इसको हटा देता है, गला देता है, और स्पर्म जो होता है, अब स्पर्म का जो होता है लाइसिन, एक्रोसिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है, ठीक है, जो जोना पेलिसुडा, ये लाल वाला जो लिखा हुआ है चित्र में, जोना पेलिसुडा, ठीक है, को भेदता हुआ फर्टिलाइजेशन में हेड ऑफ एग न्यूक्लियस, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंडाणु का केंद्र होता है वो शुक्राणु के हेड के संपर्क में आता है और जोना पेलिसुडा में कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन, इसके अंत में इसके बाद अन्य शुक्राणु जो है प्रवेश कर पाते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है जैसे इतने सारे आ रहे हैं, केवल एक शुक्राणु ने ये क्रिया कर ली, ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन वाली, तो बाकी जो है शुक्राणु फिर बाहर ले जाएंगे, एक एक का केंद्रक इस अंडकोशिका के केंद्रक से केंद्रक के अंदर जाएगा, संपर्क करेगा और बाकी को बाहर छोड़वा देगा। जोना पेलिसुडा अब मोटी आती है, जब कॉर्टिकल लेशन में आती है तो जोना पेलिसुडा मोटी हो जाएगी वाली, ताकि बाकी शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर पाए, जिससे कि बहु शुक्राणुता ये पॉलिस्पर्मी न हो पाए। अब जो है जोना पेलिसुडा वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है साहब। अब तीसरे चरण पर जाइए आप, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, यानी कि नर केंद्रक के शुक्राणु और मादा अंडाणु के केंद्रक के बीच क्या होती है, संलयन क्रिया होती है, हाँ भाई, तो क्या होता है कि सेकेंडरी ओसाइट का ओसाइट में नर केंद्र का प्रवेश होता है, जिसमें मियोसिस सेकेंड को पूर्ण करने की क्रिया होती है और सेकेंडरी ओसाइट में विभाजन से एक हैप्लॉइड ऊटेड अंडकोशिका तथा एक पोलर बॉडी, दूसरी वाली पोलर बॉडी बनती है, जहां पढ़ चुके हैं उस जनरेशन में। ऊटेड जो है वो मादा गैमेट की तरह कार्य करता है
जो नर युग्मक के साथ क्रिया करके जायगोट बना लेता है। ठीक है, ये बात जो है वो हो गई इसकी फर्टिलाइजेशन की। अब कल बात करेंगे भ्रूणीय विकास के बारे में।